लाल बुझक्कड़। लालनपुर गांव में लल्लन सिंह नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। गांव वाले उन्हें बड़ा ज्ञानी समझते थे। उन पर जब कोई मुसीबत आती तो वे लल्लन सिंह के पास जाते। लल्लन सिंह कोई न कोई सुझाव दे देते जिसे गांव वाले आंख मूंद कर मान लेते। सब उन्हें प्यार से लाल बुझक्कड़ कहकर पुकारते थे। एक दिन सुबह सुबह गांव वालों ने बीच सड़क पर कुछ निशान बने देखे। निशान बड़े बड़े और गोल गोल बने थे। इतने बड़े बड़े निशान उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये निशान भला किसके हैं? घूमते घामते वहाँ लाल बुझक्कड़ भी आ पहुँचे। लाल बुझक्कड़ ने झुक कर निशान देखे, फिर वे सीधा तनकर खड़े हो गए। उन्होंने जोर देकर कहा, ये निशान किसी शैतान भूत के हैं। उस भूत के पैर आटे की चक्की जितने बड़े हैं। वही रात में गांव में से होकर नदी के उस पार गया है। लाल बुझक्कड़ की बात सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। इतनी बड़ी पहेली का इतना आसान हल सुनकर वे तालियां बजाकर गाने लगे। लाल बुझक्कड़ बूझिया और न बूझा कोई, चक्की जैसे पैरों वाला शैतान ही भागा होए। गांव में सबसे पढ़ा लिखा युवक था मोहन सिंह। उसने लाल बुझक्कड़ को टोका, चाचा हमने तो पढ़ा है कि भूत भूत नहीं होते हैं। लेकिन मोहन सिंह की आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। उसकी आवाज लोगों के गाने के शोर में दब गई। उधर लाल बुझक्कड़ दूसरी ओर चल